हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल जी। मेरी इस वीडियो में आपका स्वागत है। तकरीबन 9:30 का टाइम है। देखिए, सब अपने अपने कामों में व्यस्त बैठे हैं। ये तीनों चारों मेरे दोनों देवर, शुभ और शुभ के पापा। अब हम चलते हैं आपको अपने दूसरे चाचा जी के घर लेकर। ये देखिए, हम जा रहे हैं उनके घर की तरफ। ये देखिए, हम अपने दूसरे चाचा जी के घर आ चुके हैं। आप देख सकते हो सामने आपको घर दिखाई दे रहा है। ये हमारे पापा से छोटे के चाचा जी सरदार जगतार सिंह जी, ये उनका घर है। ये देखिए, अब मैं उनके घर की ओर आपको लेके जा रही हूँ। ये इनकी लॉबी है, ये उनका गेट है, ये मेरी मासी मासी सत श्री अकाल। हाँ, मिलिए मेरी मासी से। ये देखिए, अब हम घर के अंदर जा रहे हैं। ये आप देख सकते हो, ये घर की लॉबी है, यहाँ से एंट्रेंस है, ये कबर्ड है, इस साइड विंडो। ये देखिए, लॉबी में एंटर होते ही इस साइड किचन है। ये देखिए, आप किचन देख सकते हो, ये सारा काम अभी करवाया है। ये देखिए दीवारों का, इस साइड ये बर्तन का। अब मैं ले चलती हूँ आपको दूसरी बेडरूम की ओर। ये देखिए, राइट हैंड साइड हम पहले वाला बेडरूम है। ये देखिए, इसमें भी, ये देखिए इस मिरर, वो वहाँ पे अलमीरा, ये विंडो, फिर विंडो, और यहाँ पे डोर है इसके पीछे, ये लगी है। ये देखिए, ये हमारे चाचा जी हैं जिनका ये घर है, सरदार जगतार सिंह जी खेड़ा। आपने नाम सुना होगा, हमारे यहाँ तो सब लोग उनको जानते हैं, लेकिन मेरी जो YouTube फैमिली है वो उनके लिए नया है। ये इनका घर है, इनकी दो बेटियाँ हैं, एक की शादी हो चुकी है और एक कनाडा गई हुई है। मासी हमारी यहाँ पे अकेली रहती है। चलिए देखिए, मासी पहुँच गई हमारी अंदर। अब मासी अपना घर दिखाएगी आपको। ये देखिए, इस तरह वॉशरूम। ये देखिए, इस तरफ हमारा एक वॉशरूम है अंदर। अब हम चलते चलते हैं आपको दूसरे बेडरूम की ओर लेके। ये हमारा दूसरा बेडरूम है। ये देखिए, यहाँ पे अभी इस साइड कवर बना हुआ है। ये देखिए, ऊपर तक कवर किया है, ये विंडो, और यहाँ पे बाहर के लिए दरवाज़ा, और ये इनका कंप्यूटर पड़ा है। ये देखिए, ये सारा काम मासी ने अभी करवाया है घर में, जो आपको दिख रहा है। अब मैं ले चलती हूँ, यहाँ पे मासी जी का स्टोर है। ये देखिए, ये उनका स्टोर है, जहाँ पे उन्होंने अपनी पेटियाँ वगैरह या अलमारी वगैरह वो रखी हुई हैं, या एक्स्ट्रा सामान जो घर में होता है। ये इधर मासी जी का, ये देखिए, अभी ये है ड्राइंग रूम। ये देखिए, ये इनका डाइनिंग टेबल पड़ा है, निश बना चुकी है, और ये डाइनिंग टेबल मासी की शादी का है। ये देखिए, अभी तक उन्होंने संभाल के रखा है। और ये देखिए, ये सारे हमारे जो चाचा जी के हैं, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं अवार्ड, वो उन्हीं के हैं। वो बहुत ही, मतलब कि ऐसे पर्सन थे कि उनको सारा यहाँ पे हमारे आसपास वाले सब अच्छी तरह जानते थे। बहुत ही एक्टिव थे, हर की बहुत हेल्प करते थे। ये देखिए, ये इनका ड्राइंग रूम है, और इस साइड बाहर के लिए डोर है, यहाँ से बाहर के लिए निकलते हैं। मासी और दोस्तों की, चल इधर चलो। ये देखिए, अब मैं आपको बाहर वाली साइड दिखाती हूँ। इस तरफ जाइए, स्कूटर, हाँ जी, स्कूटर, साइकिल वगैरह खड़े होते हैं, और ये ऊपर छत पे जाने के लिए है। ये देखिए, यहाँ पे छत से ऊपर मैं दिखाती हूँ आपको, हम छत के ऊपर जा रहे हैं। ये देखिए, ये हमारी छत है, आप देख सकते हो। ये हमारे दूसरे चाचा जी का घर है, यहाँ पे अगर आप इससे सब घुमाओगे, वो हमारे सबसे छोटे चाचा जी का घर है, उसका टूर मैं आपको कल कराऊंगी। इस साइड आप अगर कैमरा घुमाओगे तो वहाँ पे हमारे, जहाँ पे हम आए हुए हैं, हमारे पहले चाचा जी सरदार केसर सिंह जी का,
ये उनका घर दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल पास पास हैं सबके। ये देखिए पूरा आपको अपना दिख रहा है यहाँ पे, जितने ये देखिए आसपास घर हैं सब दिख रहे हैं, गुरुद्वारा साहब दिख रहा है। ये देखिए यहाँ हम आपको छत का दिखा रहे हैं। अब मैं आपको ये देखिए नीचे से आप या ऊपर से नीचे भी देख सकते हो। ये देखिए ये मासी जी ने हमारे अमरूद ये दे देखिए पेड़ लगा रखे हैं वहाँ पे। वो ये देखिए जो कुतरा करते हैं मशीन, टोके वाली मशीन लगा रखी है। अब मैं आपको ले चलती हूँ नीचे। ये देखिए अब हम नीचे उतर रहे हैं। अब नीचे का मैं आपको दिखाती हूँ मासी जी के जो उन्होंने पेड़ पौधे अपने घर में लगाए हैं। ये हमारे चाचा जी की गाड़ी खड़ी है, क्योंकि चाचा जी हमारे लगभग 2-3 साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन अभी घर में कोई नहीं है इसलिए मासी जी अकेले रहते हैं, तो गाड़ी को ऐसे कवर करके रखते हैं। ये देखिए ये घर का बाहरी हिस्सा है, ये बाहर वाले डोर हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। ये मासी जी के ये देखिए मासी जी ने पेड़ लगा रखे हैं चीकू के। ये कितना लगा है इसको, आगे होके देख सकते हो, फल देखिए कितना लगा है इसको। और ये इस साइड, ये देखिए इस साइड भी मासी जी ने ये लगा रखे हैं सारे। ये देखिए इसको भी लगा है, देख सकते हो। वो देखिए नींबू का कितना बड़ा लगा है उसको। उसके अलावा ये देखिए मेथे, और यहाँ पे आप गमलों में देख सकते हो। ये देखिए हमारी मासी जी ने मेथी, धनिया, ये देखिए मेथे सब ऐसे गमलों में उगा रखे हैं। ये हमारी मासी जी ने एक भैंस रखी हुई है, क्योंकि वो अकेले ही हैं और इतना ज़्यादा वो नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने दूध के लिए एक ही भैंस रखी है। ये देखिए ये इनके दो कटियाँ, ये यहाँ पे उनका स्टोर रूम है सर्दी में अंदर करने के रखने के लिए या तूड़ी वगैरह डालने के लिए। इसके अलावा आप इस साइड आ जाइए, वो देखिए सिलेंडर आ चुके हैं, तो मासी जी जो है वो सिलेंडर के अंदर जा रही है। यहाँ पे भी एक वॉशरूम है जो मासी जी ने बना रखा है। देखिए ये बाहर वाला वॉशरूम है, यहाँ पे उन्होंने वॉशिंग मशीन वगैरह कपड़े वगैरह धोते हैं। ये फ्लश है यहाँ पे भी, और ये पानी स्टोर करके रखते हैं कि कई बार अगर पानी ना आए तो पानी की कोई किल्लत नहीं होगी। तो पानी हमें इतना अगर टूटी एक दो दिन ना भी आए तो पानी का चलता रहता है। उन्होंने टुल्लू पंप लगा रखा है, उससे वो पानी निकालते हैं। ये देखिए ये मैंने आपको मासी जी के घर का टूर करवा दिया है। ये देखिए अर्श अपनी दादी के पास बैठी है, ये हमारे मासी जी हैं। अब मासी जी अपना नाम और अपने बच्चों के बारे में खुद ही बताएंगे। मासी जी मेरी YouTube फैमिली से सत श्री अकाल बोलिए। हाँ जी मासी जी, नाम मेरी मासी जी का नाम है जी स्वर्ण कौर। तो साढ़े मैं थोड़ा दस चुकी हाँ, साढ़िया मेरिया दो ननदा है, एक दी बड़ी दी शादी हो चुकी है, तो छोटी कैनेडा है उसकी भी शादी है। तो मासी जी साढ़े बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छा नेचर है इन्हों का। तो ये कल्ले ही रहने हैं, मैं थोन दस्या सी चाचा जी साढ़े एक्सपायर हो चुके हैं, पर इन्हों वर्गे नहीं। हाँ देखा मासी जी साढ़े कल्ले ही बहुत सुपर लेडी हैं, बिल्कुल अपना सारा काम सैल्फ डिपेंड होकर खुद ही करते हैं और सानू सारियां नू बहुत प्यार करते हैं। तो मैं चाहनी हाँ कि सारियां नू इसे तरह की फैमिली मिले जिस तरह की सानू मिली है, सारियां दा प्यार इसे तरह बनिया रहे। तो मैं अपनी वीडियो नू इसे थां हुण विराम दिंदी हाँ, तो हुण मिलांगे थोनू अपनी नैक्सट वीडियो दे विच ते अपने नैक्सट चाचा जी दे घर। तब तक दे लई थोनू सारियां नू मेरे वल्लों प्यार भरी सत श्री अकाल, ते मेरी वीडियो देखण लई थोड़ा बहुत बहुत थैंक यू।